नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं बोझा पलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एम्स पटना। एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लगातार फोन कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि सर नॉर्सेट 6.0 की डेट कब आने वाली है। तो आज नॉर्सेट 6.0 की नहीं, आगे तक कितने नॉर्सेट तक होने वाले हैं और कितनी भर्ती आने वाली है, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली गुड न्यूज आप सभी के लिए आई है कि नॉर्सेट 6.0 की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। ये डेट नॉर्सेट 6.0 के साथ साथ नॉर्सेट 7.0 भी डेट साथ लेके आया है। और सबसे बड़ी बात, इस बार तो बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके सामने निकल के आया है कि नॉर्सेट 6.0 और 7.0 यानी एक साल का एकेडमिक कैलेंडर हर बार एम्स निकालता है, लेकिन इस बार एम्स ने 2 साल पहले का एकेडमिक कैलेंडर निकाल दिया है और उस 2 साल यानी 2025 का भी कैलेंडर एम्स ने डिक्लेयर कर दिया है। साथ ही साथ नॉर्सेट 6.0 के साथ साथ नॉर्सेट 7.0, साथ ही साथ अगर बात करें नॉर्सेट 8.0 और नॉर्सेट 9.0 यानी नॉर्सेट 6, 7, 8 और 9 यानी 4 नॉर्सेट का प्री डिक्लेरेशन है कि 101% नॉर्सेट आना ही आना है। तो बहुत सारे बच्चों के लग रहा था कि यार भर्ती आएगी नहीं आई, बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट था कि यार सर इस बार इतनी भर्ती आ रही है तो अगले बार भर्ती आएगी या नहीं आएगी। तो मैं उन सभी साथियों के लिए, ये वीडियो जो देख रहे हैं उन सभी साथियों के लिए बता दे रहा हूं कि इस बार जो 4 नॉर्सेट आगे प्रीलिम्स जो होने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे के ये भी कयास आ रहे हैं कि प्रीलिम्स होगा या मेंस, वैसे ही सिनेरियो रखा गया जैसा इस बार है। वहां पे प्रीलिम्स की डेट डाली है, प्रीलिम्स के 20 दिन बाद मेंस की डेट होने वाली है। तो प्रीलिम्स और मेंस का कयास अभी भी फिक्स है और 4 नॉर्सेट की डेट पहले से डिक्लेयर हो चुकी है, 6.0, 7.0, 8.0 और 9.0, और उसकी डेट आई है अप्रैल और सितंबर मंथ में, यानी 6-6 महीनों का गैप होने वाला है और आपका जो नॉर्सेट 6.0 है अगले 6 महीने बाद होने वाला है और इसके लिए आप लगातार तैयारी कर रहे हैं। इस समय बहुत सारे बच्चों के ये माइंड में चल रहा है सर कितनी भर्तियां आएगी, तो मैं आपको ये बता देने वाला हूं कि जो आप ये हाल फिलहाल की जो सरकार है इसका एक बहुत ही बड़ा टारगेट रखा गया है, ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहती है और स्ट्रांग के साथ साथ उनका जो क्वालिटी है, उस जो क्वालिटी है एम्स की क्वालिटी है वो बरकरार रखना चाहती है। अभी बहुत सारे आपने लगातार देखे होंगे कि एम्स पे एम्स डिक्लेयर होते जा रहे हैं। अब आप ही सोचें कि एम्स पे एम्स डिक्लेयर होते जा रहे हैं, एक एम्स के अंदर लगभग पहली बार जब डिक्लेयर होता है तो 1300 स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर्स की भर्ती साथ ही साथ रिक्रूट की जाती है, यानी नोटिफिकेशन दिया जाता है साथ ही साथ रिलीज की जाती है। तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मैं आपको ये बता रहा हूं आने वाले समय में आपको सबसे ज्यादा हेल्थ के अंदर सबसे ज्यादा जो इंस्टीट्यूट दिखने वाले हैं वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस होने वाले हैं, एम्स होने वाले हैं। इसलिए जो इस समय थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, लगातार तैयारी करते रहे, टीएनसी के साथ लगातार मेहनत करते रहे और इसके लिए 21 सितंबर से टीएनसी ने ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन कोर्सेज को लॉन्च कर दिया है और आने वाले जितने भी एग्जाम है, नॉर्सेट के एग्जाम है, उनके लिए हम फिर से उसी जोश, उसी ताकत और उसी स्टडी के साथ हम वापस से तैयारी करने वाले हैं। साथ ही साथ एक नई सीरीज का आगाज होने वाला है और आने वाले जितने भी एग्जाम है उन सबको ताल ठोक के क्लियर करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ ये शेयर करने आया हूं कि आने वाले समय में बहुत सारी भर्तियां आने वाली है, बस आपको लगातार मेहनत करते रहना, लगातार कंटिन्यूसली मेहनत करते रहना है और कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपको यहां से इस चैनल से मिलते रहने वाली है बहुत ही शानदार कंटेंट और साथ ही साथ बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन। तो आज के लिए इतना ही और फिर मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए लास्ट में मेरी एक ही बात कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।